दोस्तों, अगर आपको पसंद है सुपरनेचुरल चीजें देखना तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। आज मैं आपको ऐसे टॉप 5 मस्ट वॉच सुपरनेचुरल शोज के बारे में बताऊंगी जो कि सुपरनेचुरल होने के साथ साथ जबरदस्त एक्शन, एडवेंचर, बहुत सारे जादू से भरे हैं। ये सभी शोज हिंदी लैंग्वेज में आपको नेटफ्लिक्स पर ही मिल जाएंगे। सो गाइस, दिखाने आपको फिल्मों की दिशा आ गई है रिव्यू बाय निशा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है लॉक एंड की। कहानी है एक ऐसी फैमिली की जो अपने एक फैमिली मेंबर की डेथ के बाद अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां उन्हें अजीब सी मैजिकल कीज मिलती है जिनमें तरह तरह की मैजिकल पावर्स होती है। बट यहां से इनकी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है जब एक डीमन इन चाबियों को हासिल करने के लिए इनके पीछे लग जाती है। आखिर उस डीमन को ये चाबियां क्यों चाहिए, इन कीज का क्या रहस्य है, ये जानने के लिए आप ये शो देख सकते हैं। दिस शो इज लाइक स्लो पॉइजन। स्टार्टिंग में थोड़ा लंबा बोरिंग लग सकता है बट एंड आते आते स्टोरी बहुत ही मजेदार लगती है। इस सीरीज के टोटल 3 सीजन्स हैं, हर एक सीजन में 10 एपिसोड्स हैं, लगभग 40 से 50 मिनट के, और IMDb ने इसे रेटिंग दी है 7.3। नंबर 4 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है शेडोबोन। कहानी है किंगडम राउका की, जहाँ पे एक शेडो क्रिएट हो जाता है और उसका नाम द फोल्ड होता है, जहाँ पर एक साइड में मैजिकल पावर्स वाले लोग रहते हैं और दूसरी तरफ नॉन मैजिकल पावर्स वाले लोग रहते हैं। इस शो में मल्टीपल कहानियां दिखाई गई है बट मेन कैरेक्टर्स में 2 लड़कियां हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड होती है, एलिना और मेल, जो कि आदमी में भी होती है। बट मेल की लाइफ बदल जाती है जब वो और उसका क्रू शेडो को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और एलिना को अपनी छिपी शक्तियों का पता चलता है। आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं जानने के लिए आपको ये शो देखना होगा। इसके टोटल 2 सीजन्स हैं एंड हर एक सीजन में 8 एपिसोड है, लगभग 50 मिनट के, और IMDb ने इसे रेटिंग दी है 7.5। नंबर 3 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है स्वीट टूथ। स्टोरी दिखाई गई है दुनिया में फैले एक वायरस की, जिसके बाद हाइब्रिड बच्चे पैदा होते हैं, मींस हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल। इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है गस, जो कि एक हाइब्रिड बच्चा है और उसके पिता उसे जंगल में छिप कर पालते हैं। पर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी दोस्ती जेफर्ट नाम के आदमी से होती है, तो वो उसके साथ एडवेंचर पर निकल पड़ता है। क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं गस की लाइफ में आफ्टर दिस एडवेंचर, यही जानने के लिए आप ये शो देख सकते हैं। ये बहुत ही लाइट हार्टेड शो है। इसके टोटल 3 सीजन है और हर एक सीजन में 8 एपिसोड है, लगभग 40 से 45 मिनट के, और IMDb ने इसे रेटिंग दी है 7.7। नंबर 2 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है द अम्ब्रेला अकेडमी। कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कि एक अकेडमी रन करता है अम्ब्रेला नाम की, और वो 7 बच्चों को अडॉप्ट करता है और उनमें से कुछ बच्चों के पास सुपर पावर्स होती है। किसी के पास स्ट्रेंथ की सुपर पावर है तो किसी के पास लोगों को वश में करने की पावर है और किसी के पास स्पेस एंड टाइम ट्रेवल करने की पावर है। तो ये सारी सुपर पावर्स इन्हें कैसे मिली, ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि इन्हें पता चलता है कि दुनिया 7 से 8 दिनों में खत्म होने वाली है, बट इस दुनिया को कैसे बचाए ये नहीं पता। प्लस क्योंकि एक ही फैमिली में रहते तो इनकी आपस में बनती भी नहीं है, तो आखिर ये दुनिया को बचा पाएंगे या नहीं, जानने के लिए आप ये शो देख सकते हैं। इसके टोटल 4 सीजन है और हर एक सीजन में 10 एपिसोड है, लगभग 1 घंटे के। IMDb ने इसे रेटिंग दी है 7.8। नंबर 1 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है वन पीस। कहानी है मंकी दी लूफी की, जो कि एक बेफिक्र लड़का है और वो समुद्री लुटेरों का राजा बनना चाहता है। बट जब भी वो अपने ड्रीम्स के बारे में किसी से बात करता है तो सब हंसने लगते हैं, क्योंकि राजा बनने के लिए चाहिए खजाना जो कि आज तक किसी को नहीं मिला। तो बस लूफी निकल पड़ता है खजाने की तलाश में। उसका एक ख्वाब पूरा हो गया नहीं, और क्या क्या एडवेंचर्स वो करता है इस जर्नी में, ये शो इसी पर बेस्ड है। इसका फिलहाल 1 ही सीजन आया है विद 8 एपिसोड्स, जो कि लगभग 50 मिनट के हैं, और IMDb ने इसे रेटिंग दी है 8.3। तो दोस्तों, ये थे कुछ टॉप 5 सुपर नेचुरल शोज जो कि बहुत अमेजिंग है, और इनमें से कोई भी सीरीज आप मिस मत करना। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।